नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बढ़िया से मटर के पराठे जो खाने में इतने टेस्टी लगते हैं ना। अगर बच्चों को हम अगर दे दें ना तो वो हमेशा इस तरीके से पराठे ज़रूर आपसे मांगेंगे। और ठंड के मौसम में बाज़ार में इतने मटर आ रहे हैं तो मटर की बहुत सारी अलग अलग रेसिपीज़ हम घर पे बना सकते हैं। उसमें के ये पराठे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है, चटपटे हैं। इसे हम पुदीने की चटनी, टोमेटो सॉस या दही के साथ अगर खाए तो इतने बढ़िया और इतने लाजवाब लगेंगे ना ये फ्रेंड्स। बच्चे हमेशा आपसे बार बार ज़रूर ज़रूर मांगेंगे। इसके लिए मैंने देखिए क्या किया है, एक मैंने यहाँ पे थाली ले ली है, इसके अंदर मैंने एक कटोरी मैदा लिया है। ये देखिए, इस आप कोई भी कटोरी का माप ले सकते हो। इस तरीके से मैंने इस डिब्बे का माप ले लिया है और इसी डिब्बे से मैंने दो कटोरी भर के गेहूँ का आटा ले लिया है, जो हमारा नॉर्मल गेहूँ का आटा होता है वही। देखिए इस तरीके से आप कोई भी कटोरी का माप ले सकते हो। अब देखिए, दो बड़ी चम्मच यहाँ पे मैंने दही ले ली है। दही हल्की सी खट्टी है, ज़्यादा खट्टी नहीं है, इससे ये डालने से पराठे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। और अब मैंने तीन चम्मच भर के तेल ले लिया है, क्योंकि हमने तीन कटोरी आटा लिया है तो हम तीन चम्मच भर के तेल ले लेंगे। और मैंने नमक यहाँ पे एक चम्मच डाला है, आप स्वादानुसार भी डाल सकते हो। इसके बाद में देखिए, इसे अच्छी तरीके से पहले तो हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अच्छी तरीके से मिल जाने के बाद उसके बाद में हम इसके अंदर जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी ऐड करके हल्का सा ढीला सा आटा हम इसका बना लेंगे, लगा लेंगे। ज़्यादा सख्त आटा हमें लगाना नहीं है, पूरी के जैसा बिल्कुल करना नहीं है और ना ही गेहूं की रोटी जैसे हम उसका आटा लगाते हैं वैसा नहीं करना है। इसे हम ऐसा आटा करना है कि हम इसके जो पराठे हैं बड़ी आसानी से बेल सके, बहुत ही सॉफ्ट ऐसा गूंद लेना है। अभी देखिए, थोड़ा सा पानी का मैंने हाथ लिया है, हाथ पे ले लिया था पानी और इस तरीके से सब तरफ लगा के आटा गूंदना हो चुका था। उसके बाद में इस तरीके से मैं ढक दूंगी, एक 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे मैंने दो आलू ले लिए हैं, ये अभी गर्म है, इसे हम साइड में रख देते हैं, ये उबल चुके हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में क्या करेंगे हम, एक मैंने यहाँ पे मिक्सी का पॉट ले लिया है, ये मिक्सी के पॉट में हम जो फिलिंग होती है उसका मसाला बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 12 लहसुन की कलियाँ, एक चम्मच जीरा और 2 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है, थोड़ा सा धनिया फ्रेश और यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च ले ली है। इन सब को हम इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से पीस लेंगे। पीसते वक्त हमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, सूखा ही इसे हम पीस लेंगे। और देखिए ये जो अलग क्यों पीस रही हूँ मैं, ताकि जो हम पराठा बनाएंगे उसके अंदर ये जो लहसुन अदरक है अच्छे तरीके से कभी कभी पूरा पीसे नहीं जाता है, इसलिए हम पहले इसे पीस लेंगे। इसे पीसने देखिए इस तरीके से हमें पीस लेना है। ये आपको मैं बताती हूँ, देखिए अदरक के जो बड़े बड़े टुकड़े बिल्कुल नहीं है और लहसुन भी नहीं है और ड्राई है, ये बिल्कुल पानी नहीं ऐड किया, बस उसमें पीसा है मैंने। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है, 1.5 कप भर के मैंने बिल्कुल फ्रेश हरे जो मटर होते हैं बाज़ार में आजकल आ रहे हैं वो ही मैंने ले लिए हैं। और देखिए ये सब 1.5 कप है मैं इसके अंदर डाल दूंगी और अब हमें पीस लेना है। वो मसाला हम पहले पीस लिए तो अभी जो मटर है आसानी से अभी 2 मिनट में पीसे जाएंगे। एकदम कंटिन्यू हमें चलानी नहीं है मिक्सी, रुक रुक के चलानी है और इस मटर को पीस लेना है। देखिए मेरा पीसना हो चुका है, मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से थोड़ा दरदरा टाइप का पीसा जाएगा, बस ऐसा ही हमें पीसना है। कुछ जो दाने हैं में भी थोड़े से साबुत साबुत भी रह सकते हैं, पर देखिए इस तरीके से हमें कर लेना है। अब ये जो है बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है मटर का, इसके साथ हम थोड़ा सा और आगे कुछ तो भी चेंजेस करेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है, आलू ठंडे हो चुके थे, उनके छिलके निकाल के मैंने रख लिए हैं। अब एक पोटैटो स्मैशर से हम इस तरीके से इसे तोड़ देंगे और उसके बाद में इसको स्मैश कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम किसनी का भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से पूरे स्मैश हो जाने चाहिए ये। अब देखिए इसे रख देंगे हम, ये हो चुके हैं इधर। अब मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इसके अंदर देखिए मैं 1 बड़ी चम्मच भर के तेल ऐड करूँगी, तेल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर फ्रेंड्स देखिए, ये थोड़ी सी मैंने हींग डाली है, हींग डालने के बाद मैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है मैंने ये, और जो हमने मटर का जो बना लिया था पीस लिया सब पॉट में, हम वो इसमें ऐड कर देंगे। इस तरीके से पूरा डालना है, आप देख सकते हो थोड़ा ड्राई ही है ये, इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है। और ये जो आलू थे हमने जो स्मैश कर लिए थे वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे।
आलू भी ड्राई ही थे फ्रेंड्स, ज़्यादा ऐसे गीले नहीं थे, गीले आलू हमें लेने नहीं है। और इसे थोड़ा चला लेंगे हम, इसको हम फ्रेंड्स एक 5 से 7 मिनट तक इस तरीके से ऐसे ही चलाएंगे। चलाने के पहले थोड़ा सा मैं देखिए 1 छोटी चम्मच भर के काला नमक ऐड कर दूंगी, और जो सादा नमक होता है हमारा रेगुलर वो भी मैं ऐड कर दूंगी स्वादानुसार। अब फ्रेंड्स इसे चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच भर के नींबू का रस लिया है। जितना ये बैटर है उतना नींबू का रस ऐड करना है। अगर हम कम डाल देते हैं तो जो हमारे पराठे हैं चटपटे स्वादिष्ट बन के रेडी नहीं होंगे। नींबू का बहुत बड़ा रोल है इस पराठों में, आप नींबू ज़रूर ध्यान से डालिएगा। देखिए अगर आप इस समय भी इसको टेस्ट करोगे तो इसका जो नमक और नींबू है अच्छा टेस्टी लगेगा, और बाकी के मसाले भी बहुत अच्छे लगेंगे। इसे 5 से 7 मिनट तक मैंने फुल फ्लेम पे इसी तरीके से चलाते हुए, देखिए ये हो चुका है, इसमें का पानी पूरा ड्राई हो चुका है। जो थोड़ा सा पानी होता है वो हमें ड्राई होता है, वो पूरा ड्राई हो जाना चाहिए। देखिए इसे ठंडा होने के लिए मैं अब छोड़ दूंगी। अब वो ठंडा हो चुका था फ्रेंड्स, इसे मैंने एक थाली में निकाल लिया है। देखिए इसके बड़े ही आराम से ऐसे बॉल्स बन जाएंगे, ये बिल्कुल चिपचिपा नहीं है। देखिए एकदम अच्छी तरीके से नरम भी है और ड्राई भी हो चुका है, और इसके हम बड़े आसानी से पराठे बना सकते हैं। अब मैं इस जो बैटर के सारे बॉल्स देखिए मैंने ऐसे बना लिए हैं। अब फ्रेंड्स जो हमारा आटा है 15 मिनट हो चुके हैं, देखिए इसे हम देखते हैं। अभी इसे थोड़ा सा और हमें हाथ गूंद लेना पड़ेगा, एकदम अच्छे से बना है ये नरम जैसा हमें चाहिए। गूंदने के पहले 1/2 चम्मच भर के मैं तेल ऐड करूंगी फ्रेंड्स। तेल ऐड करने से ये चिपचिपा हमें बिल्कुल नहीं लगेगा, और बहुत ही अच्छे से देखिए इस तरीके से अच्छे से सॉफ्ट बन जाएगा और गूंदे जाएगा। देखिए ये हो चुका है परफेक्टली, हमें इस तरीके से ही आटा चाहिए पराठों के लिए। इस तरीके से बन जाएगा तो हमारे जो पराठे हैं बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट और करारे बन के रेडी होंगे फ्रेंड्स। अभी आटा हमारा लग चुका है, अब इसके हम पराठे बना लेंगे। इस आटे का फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आटा ले लूँगी, और इसका बॉल के शेप का थोड़ा सा देखिए इस तरीके से, और इसे गोल गोल इस तरीके से रोल बना लूँगी। हमें जितने बड़े बड़ा पराठे चाहिए हम उतना बड़ा इसकी आटा ले सकते हैं। इसे मैंने देखिए ड्राई गेहूँ के आटे में इसे ऊपर नीचे कर लिया था, पलीथन लगा लिया इसे मैंने। अब इसे फ्रेंड्स देखिए मैं बेल लूँगी, हल्की सी छोटी पहले पूरी बनानी है हमें, पूरी टाइप का शेप देना है थोड़ा सा। अब इसके अंदर जो हमने मटर के बॉल्स बनाए थे वो हम डाल के इसका पराठा बनाएंगे फ्रेंड्स। ये बिल्कुल हार्ड नहीं है, एकदम इजीली है। अब इसके अंदर डालने के बाद आसानी से ये बेले जाएंगे। इस तरीके से इसका चारों तरफ से मैंने देखिए इसे पैक कर दिया है, सील कर दिया है इसको। अभी ऊपर का जो एक्स्ट्रा आटा है हम चाहे तो निकाल सकते हैं, नहीं अगर ना चाहो तो आप इससे दबा कर भी इसमें इसकी रोल अच्छे से गोला बना सकते हो। देखिए इस तरीके से जैसे हम रेगुलर हमेशा पराठे बनाते हैं, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि सब तरफ ये फैल जाए अंदर का। और थोड़ा सा आटा लेके इसको अच्छी तरीके से आगे पीछे से लगाते हुए, साइड से भी लगाते हुए हम इसे बेलेंगे फ्रेंड्स। देखिए ज़्यादा दबा दबा के इस पराठों को नहीं बेलना है, एकदम हल्के हाथों से एकदम लाइट लाइट इसे गोल गोल करते जाएंगे हम। अगर दबा दबा के पराठे बेलेंगे तो बिल्कुल भी ये फूले फूले नहीं बनेंगे। अगर हमें फूले फूले पराठे चाहिए तो एकदम हल्के हाथों से इसे बेलते जाना है, और जितना ये बढ़ेगा उतना हमें बढ़ाना है, ज़्यादा ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, जितना ये बढ़ सकता है उतना बढ़ाइए बस। देखिए इस तरीके से एकदम हल्के हाथों से बेल के देना है ताकि हमारे पराठे अच्छे से फूल जाए। इसे उठा उठा के ही अगर हम इस तरीके से बेलेंगे तो ये आसानी से बेले जाएंगे। देखिए अब ये हो चुका है परफेक्टली, देखिए आगे से पीछे से किधर से भी फटा नहीं है। अभी ऐसा इसे बना बना के हम सारे पराठे एक साथ ऐसे रख सकते हैं, और बाद में इसे सेक भी सकते हैं फ्रेंड्स अगर आप चाहो तो। देखिए इस तरीके से रख देंगे हम, और दूसरा भी पराठा इस तरीके से बना सकते हैं और रख सकते हैं, फिर बाद में एक साथ सारे पराठे हम सेक सकते हैं। देखिए अभी इस तरीके से हम बना लेंगे आटे से, फिर से मैं आपको दूसरे तरीके से बता रही हूँ। ऊपर का सब पैक कर देना है आटे के अंदर, पूरा चले जाना चाहिए। देखिए इस तरीके से दबा दिया है, और हल्के हाथों से मैंने
बेल लिया है, देखिए एकदम इजीली बेले जाते हैं और बहुत ही परफेक्ट बन के रेडी हो जाते हैं। इसके अंदर हमने मैदा डाला है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी फटेगी नहीं और आसानी से बेले भी जाएंगे, और जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं उनकी उन्हें भी बड़े आसानी से ये जम जाएंगे। देखिए अभी एक साइड से थोड़ा सा हल्का सा सिक गया था, मैंने पलटा दिया है, अब फिर से मैं पलटा दूंगी। अभी इस साइड से भी सिक गया था थोड़ा सा, इस तरीके से 2 से 3 बार हमें करना है। सारी साइड देखिए सिक जाएंगी इस तरीके से दोनों साइड। फिर हम इसमें तेल ऐड करेंगे, पहले ही तेल नहीं डालना है हमें, दोनों साइड इस तरीके से आधी कच्ची सिक जाने के बाद ही हम तेल ऐड करेंगे। और अब देखिए एक चिमटे की मदद से मैं इसे आगे पीछे पलटाती जाऊंगी, इधर भी मैं थोड़ा तेल ऐड कर दूंगी। देखिए फूल चुके हैं पराठे हमारे, एकदम परफेक्ट बन जाएंगे, टेस्ट में तो इतने अच्छे बने हैं फ्रेंड्स। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो हमेशा इसी तरीके से बनाओगे और एकदम परफेक्ट बनते हैं। थोड़ा सा जो मटर का जो बैटर होता है, वो मटर में पानी होता है फ्रेंड्स, अगर आप गैस पे थोड़े से आलूओं के साथ उसे भून लोगे ना तो एकदम अच्छे से ड्राई हो जाएंगे वो। और ये देखिए इस तरीके से हमारे करारे पराठे बन के रेडी होंगे, और आलूओं का भी पानी हो अगर होगा तो वो भी सूख जाएगा, ड्राई हो जाएंगे आलू भी, और आसानी से हमारे पराठे बन जाएंगे इस तरीके से। रेडिश कलर आने तक हमें अच्छी तरीके से करारे भून लेने हैं इसे, बहुत ही अच्छे लगते फ्रेंड्स, बहुत क्रंची लगते ये पराठे भी। इस तरीके से गरम गरम ही हम सर्व करेंगे, अगर गरम गरम हम देते तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। इस तरीके से दोनों साइड से इसे रेडिश आने तक, पिंकिश होने तक हम इसे भून लेंगे। ये दही के साथ, पुदीने की चटनी, सॉस के साथ, कोई भी शेजवान चटनी वगैरह के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आप ज़रूर इस तरीके से रेसिपी ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। देखिए अभी मैं आपको ओपन करके बताने वाली हूँ, ये पराठा हमारा रेडी हो चुका है। इसे मैं कट करके बताती हूँ आपको अंदर की फिलिंग वगैरह कैसी हो चुकी है, एकदम अच्छे से और बढ़िया। देखिए पूरा पराठा है ओपन हो चुका है, ऐसा नहीं कि आधा हुआ है आधा नहीं हुआ, एकदम ईजी बन जाते हैं। और जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं वो उन्हें बनाना भी बहुत ही आसान हो जाता है। अगर इस जो मैंने सामग्री यूज़ की है अगर वो ही आप यूज़ करते हो और बनाते हो तो आपके पराठे भी बहुत ही स्वादिष्ट, टेस्टी, चटपटे बनेंगे। अगर आप एक बार बना लोगे तो हमेशा इसी तरीके से ज़रूर ज़रूर बनाओगे फ्रेंड्स। ये नाश्ते में, डिनर में, लंच में हम कभी भी इसे बनाकर बड़े आसानी से खा सकते हैं। देखिए कोई गेस्ट भी आ जाए तो हम उन्हें इस तरीके का नाश्ता भी दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हो चुके हैं। इस तरीके से मैंने सारे बाकी के जो भी पराठे हैं वो सब सेक लिए थे, बड़ी आसानी से आराम से फूल जाते हैं फ्रेंड्स। आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरे इस चैनल पे न्यू हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ में लगी बेल को भी दबाना मत भूलिए। थैंक यू।